What is up, guys? This is Prasad, and welcome back to my channel once again. You are watching the channel Sri Chandan Classes. Today we discussion kariba parimitra part number 7. Sama dvibahu tribhujara uchchata ebam sama bahu tribhujara uchchata vishaye. So friends, without wasting much time, let's get started. Turn down for what? ताजे में देखिबा सम दुई बाहु त्रिभुज एवं सम बाहु त्रिभुज विषय तो पे ऑलरेडी मु प्रथमे पार्ट 6 वीडियो रे ही कहि दे थी जे सम बाहु त्रिभुज कहा को आजे सम दुई बाहु त्रिभुज कहा को आजे एवं सम विषम बाहु त्रिभुज कहा जाय थे पे देखो प्रथम जानिबा में सम दुई बाहु त्रिभुज रे मु जेंति कहि थी जे यदि एक त्रिभुज अछि एवं त्रिभुज रो जे कोनोसी दुई गुटी बाहु रो दैर्घ्य परस्पर सहित समान ताको में सम दुई बाहु त्रिभुज कहा जाए थे तो ये गोटे जिन मन रख जमी देख त्रिभुज ए बी सी देख त्रिभुज ए बी सी रे ए बी इक्वल टू एसी त्रिभुज ए बी सी रे कौन अच्छी पाने ए बी इज इक्वल टू एसी अर्थात यार दुईटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर सहित समान आम त्रिभुज ए बी सी को एक सम दुई बाहु त्रिभुज बोली कहीपर बर्तमान देख जो ए डी लंब अंकन होगा ए डी AD perpendicular upon AD perpendicular upon BC अर्थात AD जदि लंब अंकन होला BC उपरे तले गोटे जिनस मन रख AD को आमे उच्चता बोली कहिबा AD को कोन कहिबा आमे उच्चता बोली कहिबा एवं आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख जेते बेले सम द्वि बाहु त्रिभुज रे लंब अंकन होवे ये भूमि को समद्विखंड करे अर्थात BD इज इक्वल टू डी सी हुए मन रख एटा प्लाने एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ए पॉइंट जदि मन रखिबो तार सब जिंस आइला सम दुई बाहु त्रिभुज रे जदि शीर्ष बिंदु रो भूमि प्रति लंब अंकन हुए ताहाले ए लंबटी भूमि को समद्विखंड कर दबो अर्थात बी सी को जदि डी बिंदु रे छेद करूची ताहाले बीडी बीडी जति कि हबो डी सी मध्य आमर सेति कि ही हबो ये होची मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आउ किछि फार्मूला दरकार नै तुम बही रे गुडाय फार्मूला देछु मु देखिछि कहूँ तुमको कौन सी फर्मुलार आवश्यकता पड़े ना गोटी केवल पॉइंट मन रख मु तुमको आराम से बुझे देवी तुमको कौन सी प्रकार सूत्र घोषिया को पड़े ना ओके आमर जी सूत्र दरकार निहती पढ़ा दरकार मुझे कहीदेवी जो दरकार ना ना कि पढ़ी मन रखार कौन आवश्यकता ना बोधे मो प्रथम टीचर जी की सूत्र मन न रखा कहूबी ओके बर्तमान देखा सम बाहु त्रिभुज कथा देख पे सम बाहु त्रिभुज कहा कहा जाए गोटे त्रिभुज रि तीन गोटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर सहित सामान सम बाहु त्रिभुज कहू आउ सूत्र टी तुमको कि मन रखा पड़ा जदि ए बी सी एक सम बाहु त्रिभुज हुए एवं एडी जदि उच्चता हुए एडी जदि आम उच्चता हुए ताले मन कर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य हूँ ए ते उच्चता हम रूट थ्री बै टू ए सूत्र टी तुमको मन रखा पड़ो समबाहु त्रिभुज उच्चता हूँ रूट थ्री बै टू इंटू प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य बर्तन आम सम दुई बाहु त्रिभुज विषय जान लें समबाहु त्रिभुज विषय जान लें ओके बर्तन आम जा क्वेश्चन आड़ को तो प्रथम क्वेश्चन आम कौन दी देख एक सम ठीक है ओके बर्तमान देख त्रिभुज ए बी सी देची तो प्रथम जहां देचा हम तो ड्र कर दबा चित्र कर देला हमको बुझियो पे सुविधा हो त्रिभुज ए बी सी तो ए बी सी रे ए बी इक्वल टू ए सी होची 5 सेंटीमीटर ए बी केते 5 सेंटीमीटर ए सी केते 5 सेंटीमीटर बी सी केते बी सी देचा हमर 8 सेंटीमीटर तो प्रश्न पचार छी ए डी उच्चता केते ए डी उच्चता केते हो देख बही रे तमर फार्मूला देची ठीक अछि किंतु आम बिना कौन सी फर्मुला सूत्र साहब प्रमाण कर गोटी फर्मुला कही एच स्क्वेर इक्वल टू पी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर अर्थात कर्णर दैर्घ्यर स्क्वेर इक्वल टू भूमि स्क्वेर प्लस उच्चतार स्क्वेर यही गोटी जिन मन रखी था देख बर्तमान आम गोटे पॉइंट देखा कौन देके ए बी इज इक्वल टू एसी हूँ 5 सेंटीमीटर राइट ओके आ भूमि बी सी दे 8 सेंटीमीटर ओके जेहेतु ए डी इज परपेंडिकुलर अपॉन बी सी ताहले ये बी डी इक्वल टू सी डी हबो बी डी इक्वल टू सी डी ये कहार अधा हबो बी सी रो अधा हबो बी सी रो
अधा हम तो हाफ अफ बीसी के बीसी हूँ आठ सेंटीमीटर आसला चार सेंटीमीटर ये भी चार सेंटीमीटर ये भी चार सेंटीमीटर बर्तमान देख एटा हूँ समकोण समकोण तो त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज तो समकोणी त्रिभुज रे समकोण सम्मुखीन बाहु हूँ कर्ण ताकु नहीं जीवा एच एवं ये हूँ भूमि बेस आउे लंब बा पी तो आम गोटे सूत्र जानी एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओके तो एच के एच हूँ पांच स्क्वेयर इक्वल टू पी के पी आम जाने पी आम बाहर करवा पी स्क्वेयर रखा बी के चार स्क्वेयर तो प्लान कौन हम पांच स्क्वेयर हूँ पचीस इक्वल टू पी स्क्वेयर चार स्क्वेयर हूँ षोह ताले पी स्क्वेयर जो कहते पचीस प्लस षोह अच्छी पार्श्व परिवर्तन कले माइनस षोह तो नौ ते पी के देख पी स्क्वेयर हूँ नौ वर्ग जो पार्श्व परिवर्तन कर वर्ग मूल हो रूट ओवर ऑफ नाइन हूँ तीन सेंटीमीटर ताले पी आम कौन थी उच्चता अर्थात एडी एडी के तीन सेंटीमीटर देख पाल पे बिना कौन से सूत्र प्रयोग कर प्रश्न टी बहुत सहजरे समाधान कर पारे सूत्र मन रख किसी खराब जिनस ना कि कह कथा जो गोटे सूत्र अच्छे मन रखीदे दीटा सूत्र अच्छे मन रखीदे जो पचास शहे एभल सूत्र रही जाए कौन सी मन रुहे तो चेस्ट करें बिना कौन से सूत्र प्रयोग करी जाचे से व्यवहार कर सूत्र तो सेम देख प्रत्येक प्रश्न गोटे गोटे सूत्र बाहरी पार तो बर्तमान देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तो बर्तमान देखा आम उदाहरण नंबर दस तो प्रश्न टी पढ़ा गोटे सम दुई बाहु त्रिभुज भूमि दैर्घ्य देती 36 सेंटीमीटर गोटे सम दुई बाहु त्रिभुज ना ये भाव सम दुई बाहु त्रिभुज ना ता ना दे दबा हमें ए बी सी तो सम दुई बाहु त्रिभुज भूमि के 36 सेंटीमीटर भूमि कौटा ये तो 36 सेंटीमीटर एवं समान बाहुद्वय प्रत्येक 82 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट तो मन कर ए बी इक्वल टू ए सी अच्छी ये 82 सेंटीमीटर ये भी 82 सेंटीमीटर तेल प्रश्न पचारा यार उच्चता अर्थात एडी दैर्घ्य केत निर्णय कर देख कि भाव में बहुत सहजर करवा तो आम गोटे पॉइंट मन रखा कही जो एडी लंब अंकन हुए भूमि उपरे ये भूमि को समद्विखंड करे अर्थात बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल कौन हम हाफ अफ बीसी हम तो हाफ अफ बीसी मान के 36 आसला 18 सेंटीमीटर आसला बर्तमान देख त्रिभुज ए बी डी बा ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज एवं एठारे एंगल डी हूँ 90 डिग्री जेहेतु लंब अंक नहीं एंगल डी हूँ 90 डिग्री ताले 90 डिग्री आम जाने जहाँ भी 90 डिग्री थाए 90 डिग्री सम्मुखीन बाहू कर्ण बा हाइपोटेनस ये हूँ भूमि एवं ये हूँ आम परपेंडिकुलर बा लंब आम गोटे सूत्र से गोटे सूत्र एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हजार सूत्र मन रखे आवश्यक ना तो एच के एच अच्छे 82 स्क्वेयर पी स्क्वेयर के पी आम जाने बेस के आसा के 18 सेंटीमीटर ये भी 18 सेंटीमीटर तो 18 स्क्वेयर एबे तुमको टी प्रोब्लेम हम जो 82 स्क्वेयर आम कि निर्णय करवा किसी निर्णय करवा दरकार नहीं गोटे सर्टकट ट्रिक मुदेवी देख बर्तमान आमको पी स्क्वेयर दरकार 82 स्क्वेयर ये प्लस थी पार्श्व परिवर्तन कले माइनस देख गोटे सूत्र ये छोटे सूत्र मन रख ये बहुत इंपोर्टेंट सूत्र सब तुमको दरकार पड़ो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूत्र ए प्लस पी इन टू ए माइनस पी ए सूत्र भाव मन रख बहुत थर ए सूत्र तुमको कम निश्चित भाव देख बर्तमान ये कौन अच्छी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अच्छी पकेबा कौन ए प्लस पी तेल पकेबा ए प्लस बी इन टू ए माइनस पी पे जो रेड लिखी ये जगह ये लिखनी बुझाप तुमको मुझे ए प्लस पी अर्थात ए के 82 प्लस बी के 18 इंटू ए माइनस पी अर्थात 82 माइनस 18 देख
82 प्लस 18 कते 80 10 90 8 2 10 100 गुणन 82 माइनस 18 12 8 गले 4 7 रे गले 6 100 इनटू 64 तो पी स्क्वायर आसी गला हमरो 100 इनटू 64 तमे चाहिला को 6400 भी लिखि परबो ताले पी दरकार हमकु तो कोन रूट ऑफ 100 इनटू 64 त रूट ऑफ 100 कते 10 कने 10 रो स्क्वायर होची 100 आ 64 कार 88 64 तो 8 होला तो 80 सेंटीमीटर तो पी रो मूल्य केते आसीला 80 सेंटीमीटर यो छ हमरो उत्तर पी अर्थात कोन मिले माने उच्चता उच्चता कोन एडी एडी आसी गला हमरो 80 सेंटीमीटर ता देखो केते सहज रे एवं सुविधाजनक भाबर आमे बिना कोनसी कैलकुलेशन करी मध्य आमे बहुत सहज रे करी पाछ वर्तमान देखिबा नेक्स्ट वन तो पिला माने वर्तमान देखियो हम उदाहरण 9 ह आमे एग्जैक्ट प्रोसीजर रे पढुने आमे केमिति पढुचे ना वर्तमान आमे सम द्विबाहु त्रिभुज रे करले तो देन सम बाहु त्रिभुज रे गुडा क्वेश्चन करबा तो एबले भाबर आमे करूचे तो टिके तमरो नंबर उडा का एक्सचेंज हेई पारे तो सेतमे किछ प्रॉब्लम नाही जे बही पढिबा बही भी तमको किछ काढिबा दरकार हबनी भाउची जहा अछि सेति पढो और बहुत भल भाबर बुझ परिबो देखो उदाहरण न देखिबा 24 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट समबाहु त्रिभुज रो उच्चता निर्णय कर पिलान मु ऑलरेडी कहि दिली जदी समबाहु त्रिभुज कहा को जे गोटे त्रिभुज रो जदी तीनी गोटी बाहुर तरख परस्पर सहित समान अर्थात एठारे ए बी जति की बी सी सति की आ ए सी मध्य सति की अछि माने कर यार बाहुर जदी दरख जदी ए होए तले उच्चता रो सूत्र कोन थिले बला माने √3/2a √3/2a तले देखो 24 सेंटीमीटर बाहु अर्थात बाहुर दैर्घ्य देला हमरो 24 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन पछला उच्चता निर्णय कर उच्चता अर्थ कोन उच्चता सूत्र कते √3/2a तो √3/2a रे मूल्य कते अछि 24 अछि तो 2 काटि दियो 2 12 24 तो कते आसला 12√3 सेंटीमीटर केवल तमको ए सूत्रटी मन रखियो पड़िबो जे समबाहु त्रिभुज रो सूत्र होची √3/2 * बाहु रो दैर्घ्य ए गोटी सूत्र ठीक अछि जहां दरकार निश्चित तो मन रखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 एक समबाहु त्रिभुज रो उच्चता समबाहु त्रिभुज रो उच्चता हमें जानि उच्चता दत्त अछि हमकु 30√3 सेंटीमीटर तो हमें जानि से समबाहु त्रिभुज रो उच्चता रो सूत्र होची √3/2a तो हमें h से लिख परिबा √3/2a इज इक्वल टू 30√3 देखो जान ऊपर √3 कैंसिल हेला तो कोन रहला a/2 इज इक्वल टू 30 तो a आसी गला 30 * 2 इज इक्वल टू 60 तो a आसी गला हमरो एसे हमरो 60 सेंटीमीटर तो एडी क्वेश्चन किंतु कोन बचरची परिसीमा निर्णय कर हम देखो परिसीमा किबले निर्णय करथिले ऑलरेडी कह दिथली यदि प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य a होए परिसीमा कोन हो a प्लस a प्लस a अर्थात समस्त बाहुर दैर्घ्य अर्थात 3a तो ये भी सूत्र तमे मन रखि परिबो जे समबाहु त्रिभुज रो परिसीमा होची 3a अर्थात 3 गुणन a रे मूल्य केते 60 63 की 180 सेंटीमीटर तो हमरो एठी दुई गोटी सूत्र आसीला प्रथम होची समबाहु त्रिभुज रो उच्चता होची √3/2a एवं समबाहु त्रिभुज रो परिसीमा होची 3a ए दुटी जिनस को मने रख तो वर्तमान देखियो नेक्स्ट अनुशीलन मो जेंती तुम कहिथिली जेहेतु हमें समबाहु त्रिभुज करूचे तो समबाहु त्रिभुज रिलेटेड समस्त प्रश्न गोटा थरे कर देबा नेक्स्ट हम जेबा सम द्विबाहु त्रिभुज विषय देखो गोटीए सम बाहु त्रिभुज रो परिसीमा दत्त अछि 24 सेंटीमीटर हेले एहार उच्चता निर्णय कर प्लान हम कहू कहिथिली समबाहु त्रिभुज जदी अछि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान मन कर ए तले यार परिसीमा कोन हबो परिसीमा हबो 3a a प्लस a प्लस a अर्थात 3a तो हमर परिसीमा केते दिछि 3a 3a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तो a आसीला 24/3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अर्थात समबाहु त्रिभुज रो प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य आसीगला हमर 8 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर प्रश्न पचारि उच्चता निर्णय कर तले उच्चतार सूत्र में कोन जानछि √3/2a अर्थात √3/2 a रे मूल्य केते आसीला 8 तो 2 4 8 तो 4 √3
सेंटीमीटर हूँ यार उच्चता। दुईट सूत्र केवल समबाहु त्रिभुज परिसीमा हूँ 3a एवं समबाहु त्रिभुज उच्चता हूँ रूट 3/2a। ये दुईट सूत्र मन रखिले प्रश्न गुड़िक बहुत सहजरे तुमने समाधान कर पार। बर्तमान देखा आम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन दे प्रथम क्वेश्चन भल भाव पढ़ा। गोटे समबाहु त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु विपरीत बाहूर मध्यबिंदुर दूरता हूँ 15√3 डेसीमीटर हेले यार परिसीमा केते। तो देखो गोटे समबाहु त्रिभुज प्रथम टिके चित्रटे अंकन करदे। एक समबाहु त्रिभुज ना मन करदे आम ए बी सी। ए गोटे समबाहु त्रिभुजर एक शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु ए ए रु विपरीत बाहूर मध्य बिंदु विपरीत बाहूर मध्य बिंदु अर्थात डी अर्थात ये समान दूरता हूँ 15√3 डेसीमीटर। ओके डेसीमीटर हेले यार परिसीमा निर्णय कर। प्लान मन रख जिते बड़े समबाहु त्रिभुज एक शीर्ष बिंदु रु विपरीत बाहूर मध्य बिंदु दूरता हूँ आकु कहा जाए त्रिभुजर उच्चता। त्रिभुजर उच्चता अर्थात आमको इनडायरेक्टली कहला जे परोक्ष भाव में कहला जे समबाहु त्रिभुज उच्चता देती आमको 15√3 डेसीमीटर। किंतु आम सूत्र कौन जानचे समबाहु त्रिभुज उच्चतार सूत्र हूँ 3/2a। लिखिपर 3/2a इज इक्वल टू 15√3। बर्तमान देख √3 कैंसल होगा रहा कौन ए बै टू इज इक्वल टू 15। ए कौन आस 15 दुई एपटे हरण अच्छी पार्श्व परिवर्तन कले गुण नहीं जीव तो ए आसीज 30 डेसीमीटर। ए आसमर 30 डेसीमीटर तो ए आसला तो अर्थात प्रत्येक बाहर दरिक आस 30 डेसीमीटर 30 डेसीमीटर एवं 30 डेसीमीटर। किंतु प्रश्न पचार परिसीमा केते आम जाने समबाहु त्रिभुज परिसीमा सूत्र हूँ 3 गुणन बाहूर दैर्घ्य। तो 3 गुणन बाहूर दैर्घ्य आसा 30 तो 30 3√3 कते 90 सेंटीमीटर। तले समबाहु त्रिभुज परिसीमा आसला 90 सेंटीमीटर। ये हूँ आम फाइनाली उत्तर। बर्तमान देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बर्तमान देखिए आम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन मैं नहीं ना समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन गुड़ा सरीगला। बर्तमान देखिए आम सम दुई बाहु त्रिभुज कथा देख कौन देखिए एक समबाहु त्रिभुज अच्छी तो समबाहु त्रिभुज गोटे अंकन करदे। अंकन कले कौन आमको पी मैंने लाभ ना आम प्रश्न टी भल भाव बुझी पार्बा से सब अंकन करदे जिनस को सहज बुझा ही जाए। एक समबाहु त्रिभुज भूमि दैर्घ्य हूँ 10 सेंटीमीटर प्रत्येक समान बाहर दैर्घ्य हूँ 13 cm आउट हूँ 13 cm एवं हेले उच्चता केते उच्चता केते एडी उच्चता केते एडी एडी उच्चता केते आमको पचार। देख गोटे पॉइंट कही जिते बड़े ये उच्चता व लंब अंकन हुए ये बीसी को समद्विखंड कर दे अर्थात बीडी रो दैर्घ्य जेतिकी होची डीसी रो दैर्घ्य मते सेतिक हबो एवं ये कहा सहित समान हबो हाफ अफ बीसी सहित समान हबो। तो हाफ अफ बीसी केते 10 तासले केते 5 सेंटीमीटर तो ये आसला 5 सेंटीमीटर ये भी आसला 5 सेंटीमीटर। बर्तमान देख त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज जो थी कि एंगल डी हूँ 90 डिग्री। आम ये क्वेश्चन उदाहरण करमकोण सम्मुखीन बाहु सब हम कौन कर्ण ये भूमि ये हूँ परपेंडिकुलर बा लंब बा उच्चता जहां भी तुम्हें कहीपर एवं से गोटे सूत्र आम जानचे जे एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पे जो मैंने पार्ट 5a देखिन जो आमर प्रथम थिला अनुशीलन 5a से कहीदी गोटे ट्रिक सब वीडियो निहत भाव देखिन जो मैंने देखी भल कथ। ओके एच कौन अच्छी पे एच अच्छी 13 रो स्क्वेयर पी आम जानने तो पी स्क्वेयर रख बी अच्छी 5 रो स्क्वेयर तो कौन हम ये पी स्क्वेयर आस 13 रो स्क्वेयर माइनस 5 रो स्क्वेयर 13 रो स्क्वेयर 169 5 रो स्क्वेयर 25 तो कहते आस 144 तले पी स्क्वेयर जदि 144 पी कौन हम रूट ओवर ऑफ 144 तो ये आस 12 सेंटीमीटर। तो आम उच्चता उच्चता पचार उच्चता एडी आसला 12
सेंटीमीटर मु ऑलरेडी पाई पेरे गुड़ाई शॉर्टकट ट्रिक कह दी थी कौन कौन अच्छी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बा पाइथागोरियन त्रय कौन थी तीन चार पांच पांच बार तेर ये सब मुझे कही सारी तो यहाँ जब पांच है ये तेर अच्छे मैं कौन मिसिंग अच्छी बार तेल उच्चता बार ये सब शॉर्टकट ट्रिक मन रखी तो आम उत्तर को क्रस चेक करने नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर वन फास्ट पिट ओके संभव त्रिभुज अच्छी तो आम प्रथम संभव त्रिभुज ड्र करवा संभव त्रिभुज अच्छी तार ना दे देदेबा ए बी सी जो थे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अच्छी प्रत्येक समान भाव दैर्घ्य देखिए एकचाश सेंटीमीटर एपटे भी देखिए एकचाश सेंटीमीटर उच्चता हूँ नौ सेंटीमीटर उच्चता हूँ नौ सेंटीमीटर तेज़ भूमि दैर्घ्य के पचारा देख ये जो सूत्र पढ़ी था तेल बहुत हैरान होता से भी बिना सूत्र कि भाव देखा देख आम जानचे जो लंब अंग कौन हो बीसी को समद्विखंड कर देख वर्तमान त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी हूँ एक समकोणी त्रिभुज जोटी की एम एंगल डी हूँ नाइंटी डिग्री आम जानचे समकोण सम्मुखीन बाहू हूँ कर्ण ये भूमि ये उच्चता एवं से गोटे सूत्र एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो आम नि भाव जानचे तो एच रूल्य के फोर्टी वन तो फोर्टी वन स्क्वेयर पी के नाइन स्क्वेयर प्लस बी के जानने तो बी को स्क्वेयर रखा बी स्क्वेयर कौन पे मैंने फोर्टी वन स्क्वेयर एपटे प्लस नाइन स्क्वेयर थी पार्श्व परिवर्तन कले माइनस नाइन स्क्वेयर तो पे कहीं तुम गुणन कर गोटे सूत्र मुझे जे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सूत्र हूँ ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी देखो ये कौन अच्छी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अच्छी तो या द्वारा लिखिपर आम ए प्लस बी आउट हूँ ए माइनस ए प्लस बी आउट हूँ कौन पे ए माइनस बी देख कि भाव में करवा यार ए कौन अच्छी फोर्टी वन अच्छी तो आम लिखिपर फोर्टी वन प्लस नाइन आउट हूँ फोर्टी वन माइनस नाइन देख फोर्टी वन प्लस नाइन के फिफ्टी गुणन फोर्टी वन माइनस नाइन केगार नगर दुई एवं तीन थर्टी टू ओके एतिक आसला आमर यस राइट आंसर आसी देख बी स्क्वेयर आसला थर्टी टू प्लस नाइन फोर्टी वन तो बास ठीक अच्छे तेल बी कौन आसला रूट ओवर ऑफ फिफ्टी गुणन थर्टी टू बर्तमान देख ये कन्फ्यूजन हो फिफ्टी तो कहार हो तुम कौन कर गुणन कर दि कौन आस षोहस आसो मुमी कली बिना कौन सी गुणन कर देख मन रख थर्टी टू इंटु फिफ्टी अच्छी ट्रिक एटा तुम चाहिए डायरेक्ट गुणन कर ट्रिक मत जान तो फिफ्टी को मुझे लिखिपरि हंड्रेड बै टू हंड्रेड बै टू लिखिपरि जब एमती करी मुझे थर्टी टू बै टू करदेवी आउ हंड्रेड करदेवि बतीस रुति कर षोह दुईट एतिक जिनस तुमको निजर माइंड रे पड़ जिस माइंड अर्थात थर्टी टू को भाग करदे दुईरे शहे गुणन करदे थर्टी टू को भाग करदे षोहे शहे गुणन करी षोलश बर्तमान ये कहार रुट आस रुट आस कमी जान ली षोह चार दुईट शून्य रु गोटे शून्य तो बी के आसला चालीस सेंटीमीटर कितु ये आम उत्तर ना आम पंचायत भूमि दैर्घ्य के भूमि कौन पे मैंने बीसी बीसी कि ये कौन बाहर आमर बीडी दैर्घ्य ताले बीसी कौन हम बीडी दुई गुण तो बीसी इक्वल टू टू बीडी कहीं देख पे बीडी जी डीसी से ये कहा सहित समान हाफ ऑफ बीसी ताले बीसी कौन हम टू बीडी बीसी इक्वल टू टू बीडी अर्थात टू इंटू बीडी के चालीस तो कोड़े चार के अशी सेंटीमीटर आम उत्तर तो ये भाव में प्रश्न करा पड़ो कि प्राक्टिस पड़ा मैथ इज ऑल अबाउट प्राक्टिस जिते प्राक्टिस करते परफेक्ट ही बर्तमान देखिए क्वेश्चन नंबर वन थर्ड बिट बर्तमान देखा थर्ड नंबर बिट तो क्वेश्चन पढ़वा सम दुई बाहु त्रिभुज दिखाई पे जहाँ भी दिखाई क्वेश्चन सब सम दुई बाहु त्रिभुज रिलेटेड क्वेश्चन तो सम दुई बाहु त्रिभुज भूमि दैर्घ्य ओके सम दुई बाहु त्रिभुज दीजिए मन कर ना देवा तक ए बी एवं सी भूमि दैर्घ्य फोर्टीन सी एम एवं सम दुई बाहु त्रिभुज ए बी कूड़े एसी अच्छी उच्चता देला
24 सेंटीमीटर तले पचला प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य केते ये जदि 14 हला ये पिला माने कोन हो देखो ये केते इजी क्वेश्चन 14 हला ये त को करबो समद्विखंड करबो ये 7 आसीबो आमे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढथले ये 7 अली 24 अली केते हो 25 हो तो 7 24 आ 25 तो यार उत्तर केते आसीबो 25 सेंटीमीटर देखिबा हमर उत्तर ठीक आसी ना नाही तो भूमि केते देला 14 सेंटीमीटर ओके मु भूमि लेखि दउ छी आमे जानिचे जेतु लंब अंकन होई छी AD तो BD इज इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो तो हाफ ऑफ 14 अर्थात 7 सेंटीमीटर ये 7 सेंटीमीटर हला त देखो ये होचे को सम कोणी त्रिभुज त्रिभुज ADB जो थरी की एंगल D होचे हमरो 90 डिग्री त एंगल D जदी 90 डिग्री हला समकोण रो समकोण बाहु कर्ण ये हला भूमि ये हला उच्चता त हम जानि छे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एच के तो अच्छी एच हम जानिने तो एच से रखिबा इक्वल टू पी स्क्वायर पी के तो अच्छी 24 तो 24 रो स्क्वायर प्लस ये के तो अच्छी 7 रो स्क्वायर तो 24 रो स्क्वायर कते 576 राइट और 7 रो छी 49 प्ले माने एक ठारो 30 पर्यंत समस्त संख्या रो वर्ग नियति भाबरे मन रखि दियो ओके तो बहुत सहज रे क्वेश्चन गुडा हे परबो तो 576 14 केते 625 9 6 15 4 7 11 1 12 6 ओके तले h केते होबो रूट ओवर ऑफ 625 625 कहार 25 जति तमे 1 और 30 पर्यंत संख्या रो वर्ग जानि छ तले ई क्वेश्चन किछि नै लाव नै देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो केते सहज क्वेश्चन माने गोटे सेकंड रे आंसर पारबो गोटे सम द्वी बाहु त्रिभुज दै छ ओके एबीसी ओके देखो एवं उच्चता दिछि 12 सेंटीमीटर फाइन उच्चता दिछि हमर 12 सेंटीमीटर भूमि रो दैर्घ्य उच्चता ठारु 2 कम तले भूमि के उच्चता केत अछि 12 भूमि कोण उच्चता ठारु 2 कम तो 12 2 फडीले 10 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन पछला प्रत्येक समान बाहर दैर्घ्य केते ये 12 ये भूमि अछि 10 10 को करबो समद्विखंड कर देबो ये 5 हो जइबो ये 5 हो जइबो यदि ये 5 ये 12 येला 13 काई हम जानि छे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होची 5 12 हो 13 केते समय लागिला निजे को पे हार्डली गोटे सेकंड रे भी 2 सेकंड बेसी लागिवो ओके तो ए प्रोसेस हम जेंती कले आकु मते तमे सेवळ हबरे करकी ट्राई कर वर्तमान देखियो नेक्स्ट वीडियो वर्तमान देखियो हम क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन दिला गोटी सम द्वि बाहु त्रिभुजर ओके तो जहा दिछि प्रथमे अंकन कर देबा बुझबार सहज हबो गोटे सम दुई बाहु त्रिभुजर प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य देला 51 सेंटीमीटर आउट देला 51 सेंटीमीटर तृतीय बाहु प्रति अंकित उच्चतार दैर्घ्य देला 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर तले एही बाहुर दैर्घ्य केते अर्थात ए जो भूमिर दैर्घ्य से केते पचारला तो ये भी सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी बोधे हम उदाहरण रे करी छी ठीक अछि देखो केवल बारे करबा एटी जेतु लंब अंकन होई छी तो त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज हो तो बी डी रो दैर्घ्य हमें बाहर कर दबा प्रथमे तापर ताकु जदि हमें दुई गुणा कर दबा तले भूमि बा विषय दैर्घ्य मिल जिवो देखो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी रे त्रिभुज ए बी डी रे एंगल डी होचे हमर 90 डिग्री तले एंगल डी जदि हमर 90 डिग्री हला हम जानि छे समकोण रो सम्मुखिन बाहु होची कर्ण येला भूमि येला उच्चता तमे से गोटे सूत्र जानि छे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर એટલે h केते अछि 51 रो स्क्वायर इक्वल टू p केते अछि 45 रो स्क्वायर प्लस b केते अछि b किछ नै तो b को b रखिबा એટલે b स्क्वायर केते हो 51 रो स्क्वायर एपर प्लस थिले एपर कोन आसले माइनस हे जइबो तो हमें सूत्र जानि थिले से सूत्र पकेबा हमें 51 रो स्क्वायर काढिबा अपेक्षा हम सूत्र पके देबा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र कौन थिला ए प्लस बी गुणन ए माइनस बी तो ये सेम पकेबा हमें ए प्लस बी गुणन ए माइनस बी तो ए प्लस बी गुणन ए माइनस बी पांच एक छ पांच चार नौ गुणन एगार पांच गले छ बस छ तले बी स्क्वायर आसीला हमरा एतिकी तले बी स्क्वायर जदि गुणन कर देबा छ छ छत्तीस छ नौ चौवन तीन 76 तो b स्क्वायर आसीला 576 तले b कोन हो रूट ओवर 576 माने 24
सेंटीमीटर से कहि एक ठारु तीस पर्यंत समस्त संख्यार वर्ग को निहत भाव मन रखि दि। ओके तो 24 सेंटीमीटर से ये 24 सेंटीमीटर ताले बीडी जी हम डीसी से हम ताले टोटल बीसी के 24 प्लस 24 48 सेंटीमीटर बा तुम एम लिख पार ये कौन आसा बीडी दर्घ्य दे 24 सेंटीमीटर ताले क्वेश्चन पचार बीसी इक्वल टू 2 बीडी तो 2 इंटु 24 दैट इज 48 सेंटीमीटर हमारे उत्तर बस। बर्तमान देखा वीडियो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 बर्तमान देखा क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन डिफिकल्ट ना कि टिके ट्रिक बायचान्स जो तुम किसी मिस कर दो भूल हो जाए पाए कि भूल हवाक दबानी तो गोटे सम दुई बाहु त्रिभुज तत्व अच्छी सम दुई बाहु त्रिभुज तत्व अच्छी मन कर ना दे दबा ए बी सी जो इक्वल टू एसी अच्छी समबाहु त्रिभुज भूमि दैर्घ्य अर्थात बीसी के 96 सेंटीमीटर एवं उच्चता के 14 सीएम उच्चता के 14 सेंटीमीटर हेले प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य प्रथम निर्णय कर देख बीसी बीडी जेहेतु लंब अच्छी समद्विक खंड कर क्वेश्चन बहुत थर कर तो बीडी इक्वल टू सीडी कौन हम हाफ ऑफ बीसी तो हाफ ऑफ 96 हेले 48 सेंटीमीटर आसला बस ये आसला 48 सीएम देख बर्तमान त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी एक समकोणी त्रिभुज जो एंगल डी हूँ 90 डिग्री तो आम जाने समकोण सम्मुखीन भाव हूँ कर्ण ये हूँ भूमि ये हूँ परपेंडिकुलर त्रिभुज ए डी बी आम गोटे सूत्र जानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्र से गोटे सूत्र उपर ही आम एत सारा प्रश्न गुड़िक समाधान कर सारे तो एच के एच आम जाने तो एच स्क्वायर लिखा पी के 14 र स्क्वायर प्लस बी के 48 र स्क्वायर तो ये तुमको नियति भाव बाहर करने को पड़ो तार वर्ग तो वर्ग आम कि तार गोटे सर्टकट ट्रिक मुझे देख कौन करवा मन कर 14 र स्क्वायर अच्छी 14 र स्क्वायर अच्छी तुम कौन कर 14 गुण ना 14 कर 196 आ कि एमती न करी कह गोटे सर्टकट ट्रिक अच्छी देख 14 र स्क्वायर अच्छी कौन कर प्रथम 4 र वर्ग नब ठीक अच्छे सेकेंड स्टेप कौन कर एक गुणन 4 दुई सहित गुणन कर थर्ड स्टेप कौन कर एक स्क्वायर नब देख 4 र स्क्वायर के 16 ओके 2 चौ 8 8 एक 9 9 एक 10 एक रही एक स्क्वायर एक ओके 4 र स्क्वायर हूँ 16 तर 4 एक 4 4 दुगुण 8 8 प्लस 1 9 हम ठीक अच्छे 9 एवं एक स्क्वायर हूँ कत आसला 196 लिखे 196 48 र स्क्वायर को आम कि निर्णय करवा 48 र स्क्वायर देख 48 र स्क्वायर को नब प्रथम कौन कर 8 र स्क्वायर गोटे नब तापर 4 गुणन 8 गुणन 2 गोटे नवा तापर कौन नवा 4 र स्क्वायर गोटे नवा देख 8 र स्क्वायर 64 6 अच्छी तो 8 चौ 32 32 दुगुणे 64 64 6 होची 70 7 रहला 4 स्क्वायर 16 16 प्लस 7 तो केते 23 तो 23 4 हमर उत्तर आसला 48 रो स्क्वायर कि बोलबा देखो बहुत सहज रे क्वेश्चन हेला 23 4 रे आमे 196 करबा 23 एक 24 25 आसीबो 25 तो केते आसला 25 तो हमर कर्ण कर्ण आस एच इक्वल टू देख एच स्क्वायर हूँ 25 पे एच कौन हम रूट ओवर ऑफ 25 अर्थात 50 आसला सेंटीमीटर ये कैसे आसला 50 सेंटीमीटर तो ये जो 50 सेंटीमीटर ये भी कौन हम 50 सेंटीमीटर तो हमको नेक्स्ट समान भार दैर्घ्य के 50 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा परिसीमा निर्णय कर परिसीमा आम जाने तीनोटी बाहुर दैर्घ्य को मिसे दबा गोटे बाहू 50 आउ गोटे बाहू भी 50 एवं भूमि अच्छी 96 सेंटीमीटर तो 50 100 प्लस 96 होती 196 सेंटीमीटर हम आम परिसीमा ताले एभली भाव सर्टकट ट्रिक शिखिल एवं क्वेश्चन को बिना कौन कैलकुलेशन रे बहुत सहज से समाधान कर पाले तो पिला जब भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करो जब किसी डाउट थे कमेंट करो भल लगे कमेंट करो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय।